राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना पर नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज के रविवार को उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की होड़ में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। देशभर से आए 3000 से अधिक साधु संतों ने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकारों को आज धर्मादेश दिया कि वह कानून अथवा अध्यादेश या किसी अन्य माध्यम से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को क्रांति की संज्ञा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता उन्हें चुनाव में इसके लिए माकूल जवाब दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ पुत्र मोह किया है और पुत्र मोह के आधार पर पुत्रों का विकास कर रही है। केरल में भगवान अयप्पा मंदिर के कल एक दिन के लिए खोले जाने और शाही परिवार के सदस्य की याद में पूजा होने के मद्देनजर मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है तथा मीडिया पर अघोषित प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने यहां यह सूची जारी की है। कांग्रेस ने कल रात अपने 155 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस प्रकार पार्टी अब तक 171 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमपात के कारण फंसे 300 से ज्यादा यात्रियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इस बीच राजौरी जिले में हिमपात के कारण एक मकान ढहने से एक लड़की की मौत हो गई। अपराध न्याय प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार जांच और अभियोजन के विभागों को अलग अलग करने सहित कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है।